अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगा। दोस्तों आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और यहाँ पर हम आए हैं वैडा करने, तो आप देख सकते हैं मैं, मेरा भाई और बिलाल भाई, मेरे वाल साहब आए हूँ यहाँ पर वैडा करने, क्योंकि हम जासे कसाई होते हैं, इसलिए हम आए हैं यहाँ पर कुर्बानी करने, कुर्बानी का जानवर करने। दोस्तों थोड़ी बहुत मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, प्रॉपर तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि कुर्बानी के जानवर की वीडियो नहीं बनानी चाहिए वैसे, तो मैं आपको थोड़ी बहुत दिखाऊँगा जहाँ पर हमें रस्सी डाले। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा होशियार वैडा था क्योंकि घर का पड़ा हुआ था, और आप देख सकते हैं इसको नस भी डली हुई, नस भी इसमें क्योंकि घर का पड़ा हुआ इसलिए उसको अभी नस में डाली। 4.5 महीने का वैडा है आप देख सकते हैं, तो इसको हम अभी पेटी डाल रहे हैं स्नैन भाई, आप देख सकते हैं पेटी डाल के। दोस्तों भी आपको बताता हूँ कैसे, पहले मुझे पेटी डाल। दोस्तों मैं दूर इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी डर लगता है। बिलाल भाई यहाँ पर रस्सी ले आए हैं इसके पीछे वाले टांगे बांधने के लिए, और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं किस तरह से इसे पेटी डाल रही है। दोस्तों ये तो बहुत होशियार है, अब देखो उसे सही तरह पेटी में डाली और ये नीचे खुद ही बैठ गया। आप जैसे अभी गिराया नहीं है, खुद नीचे बैठ गई है, अब उठने की भी कोशिश कर रहा है, पर मेरा बड़ा भाई कह रहा नहीं अब इसको उठाना नहीं, अब इसको नीचे गिर गया अब तुम्हें भी उसको बांधना है। आप देख सकते अभी इसके पीछे वाले टांगे बने बंधी और उसको यहीं पर बांधने लगे हम, वरना तो अभी इस पीछे वाले टांगे बांध के फिर गिराते, पर ये खुद ही बैठ गया। तो अब भाई ने कहा बैठ गया, तो अब इसके पीछे वाले टांगे बांध दो, बैठ गई तो अब इसके पीछे वाले टांगे बांधे, अभी पेटी भी नहीं सही से बंधी, अब इसको पेटी डाल के फिर इसको हम अलग राह में कुर्बान कर देते हैं। इसको नथी नहीं डाली इसलिए काफ़ी पूछ रहा, आप देख सकते हैं पीछे वाले टांगे इसने कैसे उठा लिए हैं। अब भाई पीछे वाले टांगे बांध रहे हैं, फिर मैं आपसे दिखाता हूँ कि उस साइड पर हो गया थोड़ा सा, मैं करीब से आपको दिखाता हूँ कैसे भाई पीछे वाले टांगे बांधे। दोस्तों अभी पीछे वाले टांगे नीचे बैठ बांधी और ये नीचे बैठ गया खुद ब खुद ही, आगे वाले टांगे ऐसी बांधी है ठीक, पेट से पेटे गुजारे तो नीचे बैठ गया खुद हो गया। अब इसका काबे की तरफ मुंह नहीं है, अब इसको घुमा कर काबे की तरफ भी करना है। दोस्तों प्रॉपर वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, थोड़ा बहुत दिखाता हूँ तो आप देखें और इन्जॉय करें। कुछ दोस्त होते हैं जो कुर्बानी नहीं देख पाते कैसे होते हैं, तो इस तरह से कुछ कुर्बानी होती है, यहाँ से तकबीर के लिए छुरी पकड़ लेते हैं बड़ी वाली हम कुछ इस तरह से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसका काबे की तरफ मूव कर दिया, इधर सामने हमारे काबे बिल्कुल काबे की तरफ इसका मूव करके उसे आप देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 बंदों ने इसको पकड़ा हुआ है, सिर्फ 4 बंदे पकड़ा हुआ है। एक बंदा जो मेरे पापा है वाल साहब हैं वो यहाँ पर छुरी फेरेंगे, और ये भाई देखो यहाँ पर बैठ कर तमाशा देख रहा है, सामने आकर पकड़ नहीं रहा, तो यहाँ पर वाल साहब अभी चेक कर रहे हैं कहाँ पर छुरी फेंकने, नाड़ नूड़ देखने किधर नाड़, फिर इसको हम अलग राह में कुर्बान कर देंगे। और दोस्तों अभी इसकी जो खावा में बीच वाली टांगे ना वो बांधी बांधी है, उसके लिए छुरी पहन तक नहीं दिखा सकता, बस यहाँ तक दुकान से। ये तो सो आज के हमारी वीडियो में करता, आपको अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगेगी तो लाइक ना कर देना, मेरे चैनल अच्छे ब्यूटीफुल पैट को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, मेरे इंशाल्लाह कल अभी जा जाइए, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों अभी इसके बीच वाले टांगे बांधने के फिर तक फिर फेरेंगे, ऐसे कर नहीं फेर सकते, सारी तैयारी होगी, लड़के का वेट हो रहा है, लड़का है अगर उसे छुरी फेर देंगे। दोस्तों हमने वैसे अभी से गिराना नहीं था, रस्सी आती ना फिर गिराना था, पर खुद ही बैठ गए, तो हमारे वाल साहब ने कहा इसको गिरा दो, वही हो गया, देखो कैसे भूत रहा है। अभी दोस्तों हम इसका करते हैं, हम इसको कर लेंगे इंशाल्लाह, फिर आपसे मैं मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट व्लॉग में। और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक बहुत बहुत, और हमारे इस चैनल पर 300 सब्सक्राइबर पूरे हो गए।